बादल देवनाथ सवाल सुन लीजिए, ये कह रहे हैं ऐसा कौन सा दंगा है जिसके ऊपर आप आरोप लगा सकते हैं कि बीजेपी ने कराया हो, ये पूछ रहे हैं वो आपसे। है कोई आपके पास सबूत, है कोई आपके पास कागज, बता दिखाइए इनको। गौरव जी, संदेश काली में जो महिला लोग आंदोलन किया था, आपको पहले जानना चाहिए, संदेश काली में दो ब्लॉक है, दो ब्लॉक के अंदर 90 से ज्यादा पंचायत है, उसमें एक अंचल है जहां पर भाजपा के कुछ लोग आंदोलन किया था, पूरे संदेश काली में नहीं, संदेश काली थाना एरिया में दो ब्लॉक है, एक विधानसभा है, अर्थात आपको जानना चाहिए संदेश काली एरिया को बारे में। और जिसको कैंडिडेट किया वो तो बुरी तरह से हारेगी, ये तो कोई उसको रोक सकता नहीं, लेकिन जो बंगाल में बंगाल का क्रिस्टी कल्चर, बंगाल का जो संस्कृति है, ओके, ओके, जो विवेकानंद आप बंगाल से आती हैं, बताइए बंगाल में दंगा दंगा इतना क्यों चुनाव में इतना फैशन में? सबसे पहले तो बताऊंगी कि वोटर्स को वो डरा नहीं रही थी, जो मुसलमान 2 लाख से ज्यादा जो नमाजी थी वहां पर थे, जो सलात ईद की सलात पढ़ने के लिए गए थे, उनको वो डरा नहीं रही थी, उनको वो उकसा रही थी, उनको वो बता रही थी कि आने वाले 17 तारीख को रामनवमी के दिन अपनी लुंगी में पत्थर जमा कर लेना। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि अल कुरान के नहीं, मैं एक चीज कहूंगा नाज़िया इलाही खान, मैं सबसे कहूंगा शब्दों की मर्यादा यहाँ प्लीज बनाए रखें। मैं ये कहूंगा हम एक नेशनल टेलीविजन पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम शब्दों की मर्यादा बनाए रखें। अल कुरान के कौन से पारा में, कौन से सूरा में, कौन से वर्सेस में, कौन से आयत में ये परमिशन दिया गया है कि ईद की नमाज को पॉलिटिकल मंच बनाया जाए और सियासती पंच फेंका जाए? ये कहां पर लिखा हुआ है? नहीं देना था तो वो अपने कार्यकाल का भाषण देती। आज तक मुसलमान यहां पर डिप्राइव है, आज तक पश्चिम बंगाल के मुसलमान बेटियां हलाला और 3 तलाक का शिकार हो रही हैं, निकाह मसियार का शिकार हो रही हैं, मुसलमान बेटियों को अब तक सही से शिक्षा नहीं मिल रही है, मुसलमान बेटियों का जिनका तलाक हो गया है वो विक्टिमाइज महिलाएं आज भी तड़प रही हैं, रो रही हैं। किसने ये अथॉरिटी की पोजीशन श्रीमती ममता बनर्जी को दी कि वो इस्लाम के खिलाफ जा करके 2 लाख से ऊपर मर्दों की भीड़ में वो पॉलिटिकल भाषण दे? ये तो हमारे इस्लाम की बेइज्जती हुई है, ये तो मेरे इस्लाम की बेहुर्मती हुई है, ये इस्लाम को इन्होंने डराने और मलाइन करने की कोशिश की है। एक मुसलमान लड़की होने के नाते मैं कभी भी इस चीज को बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगी कि मेरे इस्लामिक जगह को पॉलिटिकल मैदान का अखाड़ा बनाया जाए। दूसरा चीज मैं कहूंगी कि यूजीसी का विरोध करके आज ईद के दिन, ईद की सलात के वक्त में उन्होंने मुसलमान बेटियों की विरोधिता की है, उन्होंने मुसलमान बेटियों के खिलाफ कहा है, क्योंकि यूसीसी के द्वारा मुसलमान बेटियों के पैर की बेड़ियां ठीक है, ओके ओके ओके, नहीं बादल देवनाथ रुकिए, अभी आपका टर्न नहीं है, ठीक है ओके, अभी जयनारायण व्यास जी का टर्न है, जयनारायण व्यास जी बहुत देर से बैठे हुए। जयनारायण व्यास जी, एक तरफ तो जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कायरता की सारी हदें पार कर दी, दूसरी तरफ आप ही की अलाई है आरजेडी, उनकी बहुत बड़ी नेता है मीसा भारती, अपनी पार्टी की, लालू जी की बेटी है, वो कह रही है कि हम सरकार में आएंगे तो प्रधानमंत्री सहित बीजेपी के तमाम नेताओं को जेल में डाल देंगे। ये कौन सा नोट है, ये कौन सा प्लेटफॉर्म है जिस पर आज ये जो आप लोग या आपकी जो अलाई पार्टियां हैं ये पॉजिटिव कैंपेनिंग की बजाय ये नेगेटिव कैंपेनिंग पे क्यों जा रहे हैं? और ये वेंडेटा पॉलिटिक्स का जिसका आप बार बार यहां पर हमारी डिबेट्स में, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में बार बार हवाला देते हैं कि भाई ईडी सीबीआई ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, ये मीसा भारती ने कौन सी पॉलिटिक्स की है सर? गौरव जी आपने बहुत अहम बात की, हर पार्टी को संयम रखना चाहिए, मगर घर में सबसे ज्यादा संयम कौन रखता है? घर में सबसे ज्यादा संयम जो घर का मुखिया है वो रखता है, इस देश का मुखिया प्रधानमंत्री है, अगर वो संयम नहीं रखता उसकी मुंह से ऐसी वैसी बातें निकला करती है, किसी की मान सम्मान की परवाह नहीं करता। पहले गांधी फैमिली को उन्होंने टारगेट किया, राहुल जी को पहले पप्पू बनाना चाहा, नहीं बने राहुल जी, और भी बलवानों के बाहर आए, तब बस उसके पास कोई मुद्दे नहीं रहे प्रधानमंत्री जी के पास, तो अब ये बोल रहे हैं कि मुझे कोई गोली मार देगा। अरे भाई आप प्रधानमंत्री जी हो, अगर आपको गोली मारने की डर लगती है तो आप कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो? और आपका जरा क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिकॉर्ड देखिए, आपके समय में
कितनी महिलाओं पे अत्याचार हुआ। जयराम जी क्या हुआ, जयनारायण व्यास जी, जयनारायण व्यास जी, जयनारायण व्यास जी, सारी नसीहतें विरोधियों के लिए ही हैं क्या? जयनारायण व्यास जी मेरा सवाल सुनिए, सारी नसीहतें विरोधियों के लिए हैं, प्रधानमंत्री के लिए हैं, अपने कैंडिडेट इमरान मसूद के लिए नहीं है? वो क्यों बात, वो यहाँ पर आ रहे हैं, हम 20 करोड़ मुसलमान हैं, निकाल नहीं पाओगे उनके लिए नसीहत नहीं है सर? गौरव जी आप जैसे जैसे आप सुनिए तो, आप सुनिए तो, आप सुनिए ना, इतनी जल्दी क्या है, समय है, आप इस शो के एंकर हैं, आपने हमें डिक्टेट दे दिया कि भाषा के बारे में आप बिल्कुल संयत रहोगे, आपका अधिकार है। इसी तरह घर का मुखिया जो है उसका अधिकार है हमें सलाह देने का, मगर घर का मुखिया खुद ही वाणी विहार करता हो, कुछ भी बातें करता हो, तो प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के मुखिया थोड़ी ना है सर, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सलाह थोड़ी ना देंगे। आप जो कह रहे हैं उस पर बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे, लेकिन मैं तो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं इमरान मसूद, अभी गए थे आपके यहाँ से, कहीं फिर आपके यहाँ आए, आपने उनको टिकट दिया है, उनकी बातों पर आप कुछ नहीं बोल रहे सर? अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनके पास सरकार है, एक्शन कितनों को बिना बेकसूर इन लोगों ने दिया, ये ईडी और सीबीआई को भेजकर डाल दिया है लाखों के अंदर, डाल दे अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो। अच्छा उन्होंने गलत नहीं किया, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ना कांग्रेस पार्टी मानती है कि उन्होंने गलत नहीं किया? कांग्रेस पार्टी गलत करे ना करे, आप रूलिंग पार्टी है एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी इज फार मोर हायर। आप गंगा में लाशें करती है और आइए नहीं कह सकते कि नहीं नहीं वो तो ये हुआ, सर, देश में आचार संहिता लगी हुई है, आप अभी भी रूलिंग पार्टी से चाहते हैं कि वही इस पर एक्शन लें?